ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी की फरमाइश पे मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही सरल है, इसमें केवल एक पीपल का पत्ता इस्तेमाल किया गया है और ये आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाता है। अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं किसी को कि वो आपके वशीभूत हो जाए, आपका कहना माने, या कोई आपको छोड़ के चला गया है और आप उसे बुलाना चाहते हैं, इस तरह की यदि आपकी सिचुएशन है तो आपके लिए ये बहुत ही कारगर होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो जो इस वीडियो में बताया गया है उसको फॉलो करिए, 100% परिणाम आपको मिलेंगे। और उपाय करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि उपाय तभी कारगर होता है जब आप उसके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे। यदि आप विश्वास से एक पत्थर भी फेंकते हैं तो भी उसमें भी चमत्कार हो जाता है। तो उसी प्रकार से आपको विश्वास करना है इस काम में और आप विश्वास कीजिए, कुछ ही समय में ऐसे काम होने लगेंगे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी हो जाएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास दोनों आपको रखने होंगे। और मैं अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है क्योंकि बहुत से साधक और साध्वी इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई है। और क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ ऐसा बताइए जो हम खुद कर सकें और बहुत ही सरल हो, कहीं जाना भी ना पड़े। जैसे कि अधिकतर जो प्रयोग होते हैं वो कहीं कहीं जाने पे होते हैं, जैसे शमशान घाट में जाओ, रोड पे जाओ, चौराहे पे जाओ, तो ये आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं और ये कारगर होता है। और ये जयंती मंगला काली यानी कि माँ काली का इसमें एक मंत्र उच्चारण होता है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। ओम नमः शिवाय। आज फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल में वशीकरण टोटका करके दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आप सब इसको आराम से करेंगे और अपने जीवन में जो भी समस्या है उससे निदान पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता जो है वो सिर्फ एक ही चाहिए और सही कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। एक सामान्य से पीपल का पत्ता और दो फोटो, एक आपकी और एक आपके प्रेमी की। इन फोटो को आपको रखना है और आपको चाहिए एक मार्कर। फोटो के पीछे, जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो इसके पीछे आपको स्वास्तिक का सिंबल बनाना है और अपनी फोटो के पीछे भी स्वास्तिक का सिंबल बनाइए। और ये बहुत ही प्रचंड है और इसमें कुछ भी अधिक कोई रामायण नहीं है, आपको सिर्फ दोनों फोटो की जो फेस होता है एक दूसरे की तरफ रखते हुए ऐसे मिला देना है, इसको फोल्ड करना है और जो पीपल के पत्ते का पिछला भाग होता है उसमें इसको फोल्ड करना शुरू करना है इस तरह से। जब ये इतना हो जाए तो इसको आपको रोली के धागे से इसको बांध देना है और पूर्व की दिशा में रखना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी दिन वेट के नीचे, यानी कि कोई भारी भरकम चीज़ हो उसके नीचे रख दीजिए। दोनों का चेहरा आमने सामने होना चाहिए तस्वीरों का। और अगर आप चाहें तो एक मंत्र है, अगर आप वो मंत्र बोलते हैं तो ये काम ज़्यादा जल्दी से होगा, अगर आप मंत्र नहीं बोलते तो भी ये काम होगा, लेकिन उसमें थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस मंत्र को आपको बोलना है और डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कृपया दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही टोटकों के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोई हमारी वीडियो से भरपूर लाभ ले सके। और यदि कोई प्रयोग आपके लिए कार्यरत नहीं हुआ है तो आप सब्र रखिए, दूसरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रयोग देने वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओम नमः शिवाय।